हेलो गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम टू इन हाउस एकेडमी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर, कि जब कभी मेटल्स एयर से रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें फॉर्म होती है और किस तरीके से फॉर्म होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, एयर में मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट है हमारा वो होता है क्या? ऑक्सीजन। तो हम इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वो बेसिकली मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, मेटल प्लस में ऑक्सीजन, इट फाइनली फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। सो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा कि व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। कि जब भी कभी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, या कह सकते हैं एयर से रिएक्ट करता है, तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है हमारे यहाँ पे। अब क्या होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, उनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से होता है, बिकॉज हर किसी की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। तो अलग अलग रिएक्शंस होते हैं मेटल्स के, अलग अलग रिएक्टिविटी के बेस पे। तो जितने भी मेटल्स हैं, सारे एक जैसे रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब कुछ मेटल्स होते हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, जिसे बोलते हैं रूम टेम्परेचर, दे कैन रिएक्ट ऑन रूम टेम्परेचर। बट सम मेटल्स रिएक्ट ऑन हीटिंग, एंड सम मेटल्स विच रिएक्ट्स ऑन ओवर हीटिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो क्या होता है कि अलग अलग मेटल्स का रिएक्शन अलग अलग तरीके से होता है, और वो इस बात पर डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है। कुछ मेटल्स ओपन एयर में रखने पर ही रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जितने भी हमारे मेटल्स है वो रिएक्ट करते ऑक्सीजन से, तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या है? ऑन रूम टेम्परेचर, ऐसे लिख लो, रिएक्शन, रिएक्शन ऑन रूम टेम्परेचर। ठीक है, रिएक्शन ऑन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। पहला कौन सा है? पहला है हमारा सोडियम, यहां लिख देता हूं, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जब रूम टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं, मतलब कि बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट होती है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम का। सोडियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है? सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड है, इसको बैलेंस करेंगे, तो यहां पे दो है, ऑक्सीजन दो है, तो यहां पे हमें करना पड़ेगा दो, यहां पे दो, सॉरी यहां पे तो दो ही रहेगा, यहां पे कर देंगे हम फोर। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, दिस इज ऑक्सीजन, सो गैसियस फॉर्म, एंड दिस इज इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है सोडियम। जब सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी क्या करता है? सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, और किस तरीके से फॉर्मेशन होती है? यहां पर दो ऑक्सीजन के पार्ट है हमारे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर दो, तो यहां पर फोर, और यहां पर हमारा टू ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हमारा, दिस इज अगेन इन सॉलिड फॉर्म, दिस इज इन गैसियस फॉर्म, एंड दिस इज इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, सो रिएक्शन ऑन रूम टेम्परेचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इस तरीके से होते हैं। ये मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं ये कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो
तो ये हमारा रिएक्शन है सोडियम और पोटेशियम का एयर के साथ रूम टेम्परेचर पे। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑन रूम टेम्परेचर। अब क्या होता है जब मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं तो इनकी मेटल ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके का मेटल ऑक्साइड हो। देखिए क्या होता है, जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मैं यहां पर डिस्कस करता हूं, मेटल ऑक्साइड्स जितने भी होते हैं ये सभी के सभी नॉर्मली डिजॉल्व नहीं होते हैं लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर, ऐसा कह सकते हो। मतलब क्या होता है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ऑलमोस्ट डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर के अंदर, बट सोडियम और पोटेशियम के दो ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स है, जो कि डिजॉल्व हो जाते हैं लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर। और जब ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्या होता है कि जब भी कभी मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, रिएक्शन ऑन रूम टेम्परेचर पढ़ा हमने, रिएक्शन ऑन हीटिंग पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑन हीटिंग, ठीक है, कि जब भी कभी हीट किया जाता है उस केस में। देखिए हीटिंग पे जब रिएक्शंस होती है, ये तीन ऐसे एलिमेंट्स है जो हीटिंग पे रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहला है हमारा मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम को जब हीट किया जाता है तो ये बर्न करना शुरू कर देता है, और बर्न करने के बाद मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। देखिए कैसे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन इट कंबाइन विद एंड फॉर्म MgO, ठीक है, MgO फॉर्म करता है, ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। जब ये मेटल ऑक्साइड वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है यहां पे MgOH का होल ट्वाइस, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये मेटल ऑक्साइड जो मैग्नीशियम का होता है ये पार्शियली डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर, ये कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता। वैसे जितने मेटल ऑक्साइड्स होते हैं मैक्सिमम डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट दो है जो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं, और इसमें जो ये मैग्नीशियम है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पार्शियली डिजॉल्व होता है, और पार्शियली डिजॉल्व होने के बाद एल्कलीज मतलब कि एक तरीके का बेस फॉर्म करता है, और दैट इज मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसे, ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, दिस इज लिक्विड फॉर्म, दिस इज सॉलिड फॉर्म, अगेन सॉलिड, गैसियस, एंड दिस इज नॉर्मली, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। दूसरा रिएक्शन जो पढ़ना है हमें यहाँ पे, दूसरा है जो कि हीटिंग रिएक्शन होता है, वो होता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम और जिंक का, कि जब भी कभी एल्यूमिनियम और जिंक रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्सीजन के साथ ऑन हीटिंग, जब हीट किया जाता है इनको, तो हीट करने पे ये क्या करते हैं, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस तरीके से होते हैं देखिए, तो दूसरा रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग इसके बारे में, ये पढ़ रहे हैं एल्यूमिनियम के बारे में, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहां पे टू है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का टू है, तो यहाँ पे हमें इसको बैलेंस करने के लिए थ्री ऐड करना पड़ेगा, सो बेसिकली एल्यूमिनियम विल बी थ्री, सो टू, एंड दिस इज यहाँ फोर, ठीक है। तो ये बैलेंस कर दिया हमने, ये सॉलिड फॉर्म में होता है एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑक्सीजन हमारा गैसियस फॉर्म में होता है, और ये हमारा होता है हमेशा सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, और इसी का सेकेंड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट, वो कौन सा है, कि जब जिंक रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो ये भी क्या करता है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है। किस तरीके से करता है देखिए, Zn प्लस में O2, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ZnO, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में,
एंड दिस इज इन सॉलिड फॉर्म. ऑक्साइड्स ऑलवेज आर इन सॉलिड फॉर्म, याद रखना आप लोग, ठीक है. तो इस तरीके से जिंक प्लस में ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है एंड एल्यूमिनियम प्लस में ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद एयर कह लो या ऑक्सीजन कह लो, इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड फर्दर विद जिंक टू, ठीक है. अब देखिए यहां पर क्या होता है, ये जो ऑक्साइड्स है हमारे ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं इसको भी डिस्कस करते हैं. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं देखिए, ठीक है. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं. मेटल ऑक्साइड जो होते हैं हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था पहले. बट जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर मेटल्स एज वेल एज बेस एसिडिक और बेसिक. मीन्स व्हाट, कि जो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ये दोनों के कैरेक्टर को शो करते हैं, ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं. सो सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स विच आर एसिडिक और बेसिक एज वेल कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, कि जो एसिडिक और बेसिक दोनों के कैरेक्टर को शो करते हैं और दोनों टाइप के बिहेवियर शो करते हैं, दिस टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर नॉर्मली कॉल्ड एज व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ओके, चलिए तो इसके बारे में समझते. देखिए अब ये दोनों के रिएक्शंस, दोनों टाइप के रिएक्शंस को शो करते हैं, तो दोनों के एक रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो कैसा होगा और बेस से रिएक्ट करेगा तो कैसा होगा. हमने पहले भी पढ़ा हुआ एसिड और बेस का रिएक्शन, कि जब भी कभी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, आप लोगों को पता होगा, दोबारा डिस्कस करते हैं. चलिए तो हम पढ़ते हैं क्या यहाँ पर, डेफिनेशन लिख लेते हैं. Such types of oxides which shows both the behavior a character acidic as well as basic. are called as amphoteric oxides. ठीक है, अब नोट कर लीजिए इसे. Such type of oxides which shows both the characters acidic as well as basic are called as amphoteric oxides. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अब हम पढ़ेंगे इनके रिएक्शंस के बारे में, कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जब एसिड और बेस से रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं. चलिए देखिए आप लोग यहां पे, तो सबसे पहले बात करते हैं विद एसिड. एसिड में क्या हो जाएगा, सही से लिख लेते हैं यहां पर. With acid, जब acid से react करेगा क्या, aluminium oxide Al2O3, ठीक है, plus HCl ले लेते हैं, ठीक है. तो जब aluminium oxide reacting with HCl क्या form होगा, देखिए AlCl3 plus H2O, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये वाटर हो गया हमारा, ठीक है. तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है. अगर इसको बैलेंस करना है तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 है हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन को अगर हम 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, ठीक है, ये बैलेंस हो गया हमारा. 2 aluminium, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6, क्लोरीन 3, क्लोरीन 6, ठीक है. तो इस तरीके से बैलेंस्ड हो गया हमारा, इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग. नेक्स्ट पढ़ते हैं विद बेस, ठीक है.
कि जब बेस के साथ रिएक्शन करता है एल्युमिनियम ऑक्साइड तो क्या फॉर्म करेगा, Al2O3 प्लस में NaOH। तो बेस के साथ रिएक्शन होती है जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की तो क्या फॉर्म होता है, देखिए H2O फॉर्म तो होगा हमारा यहाँ से सोडियम और यहाँ से एल्यूमिनियम, सो बेसिकली Na2L3 इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा ये, ठीक है। और दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। ये Na3Al इस तरीके से फॉर्म होगा इसका, ये हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। सोडियम ये NaAlO2 हो जाएगा, ठीक है, O2 इस तरीके से सोडियम एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको, ठीक है, आप लोग बैलेंस कर लेना। तो इस तरीके से बेस के साथ रिएक्शन करने पे सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। अब चूंकि ये हमारे क्या है, ये एसिडिक करेक्टर भी शो कर रहा है और बेसिक करेक्टर भी शो कर रहा है, तो दोनों ही केस में सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। क्यों? कि जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो बेसिक करेक्टर शो करेगा और जब बेस से रिएक्ट करेगा तो एसिडिक करेक्टर शो करेगा। इसी तरीके से हमारा जिंक का भी रिएक्शन होता है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, इसको बैलेंस कर देता हूँ मैं, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे 3 यहाँ और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 नहीं करेंगे तो यहाँ पे कर देते हैं हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 4 एल्यूमिनियम सोडियम, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है तो इसको 4 कर देते हैं, तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 to 6, कुछ मिसमैचिंग हो रहा है, चलिए एक बार शुरू से कर लेते हैं इसको बैलेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो पहले तो हम इसको कर लेते हैं इवन, तो ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसको हमने 4 कर दिया। सोडियम यहाँ पे कितना हो गया हमारा, सोडियम यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे सोडियम कितना है, यहाँ पे सोडियम है 1, तो यहाँ पे सोडियम 4 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन 8 हो गया तो यहाँ पे हम 4 कर देते हैं इसको, तो 4 और यहाँ पे 2 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 3 7, ये बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही थोड़ी सी, चलिए एक बार देखते हैं इसको, फिर से बैलेंस करते हैं। ये NaOH यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो सोडियम 2 हो गया और हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 और 3 5 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो 2 2 4 और ऑक्सीजन 3 7 और 3 और 2 5, ठीक है, 4 1 5 और 3 to 5, ठीक है, हो गया बैलेंस, ठीक है, इस तरीके से बैलेंस हो गया, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन था, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नोट कर लीजिए आप लोग इसको।
चलिए इसी तरीके से जिंक जो है जब एसिड से रिएक्ट करेगा और बेस से रिएक्ट करेगा तो अलग अलग चीजें फॉर्म करेगा। देखिए देख लेते एक बार, विद एसिड जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ZNO प्लस में HCl, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा ZNCl2 प्लस में H2O, ठीक है, ZNCl2 जिंक की वैलेंसी 2 होती है तो ZNCl2 बन जाएगा। अगर विद बेस करेंगे, बैलेंस आप लोग खुद कर लेना विद बेस, तो क्या हो जाएगा ZNO प्लस में HNaOH, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा Na2ZnO2 प्लस में H2O, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। ये थोड़ा सा हटके है, कॉम्प्लिकेट होता है, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे तो ये हमने अभी यहां पे डिस्कस किया रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद हमने क्या पढ़ा कि जब ऑक्सीजन में मतलब कि ऑक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, तो अभी देखिए क्या है कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो हमने पढ़ा कि जब रूम टेम्परेचर पे कोई मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करता है, या फिर हीट करने पर रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई मेटल स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। देखिए कुछ ऐसे मेटल्स है जो कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर रिएक्ट करते हैं और कुछ चीज़ें फॉर्म करते हैं, जैसे कि कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, आयरन है, आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्ग हीट करने के बाद भी ये रिएक्ट नहीं करते और रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। सपोज करिए कि आयरन है, आयरन और प्लस में ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा, ठीक है, Fe3O4 बनता है, ठीक है, Fe3O4 बनेगा, ठीक है। वैसे ही अगर कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, CuO कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे रिएक्शंस पॉसिबल है, तो आप लिख सकते हो रिएक्शन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है। और ये जो होता है ये कॉपर टू ऑक्साइड होता है, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, और ये आयरन ऑक्साइड होता है हमारा। इस तरीके से ये भी आयरन टू और थ्री ऑक्साइड होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे रिएक्शंस होता है। देखिए इसके बाद क्या होता है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, ये सभी क्या करते हैं कि इन सभी के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और ये क्या करते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फर्दर रिएक्शन होने से, ऑक्सीडाइज होने से। तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन का रिएक्शन इनके लिए हेल्पफुल भी होता है, इनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और इसी तरह ये लॉन्ग लास्टिंग बन जाते हैं। मैग्नीशियम है, अगर इसको आप नॉर्मली बर्न कराओगे तो नहीं करेगा, जब तक इसे हीट नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो इसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। जब तक मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम रब करके हटाएंगे नहीं, वो रिएक्शन फर्दर नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से मेटल ऑक्साइड का हमने मेटल का रिएक्शन पढ़ा ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, और इन सभी केस में जितने भी इनके ऑक्साइड्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम नहीं होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम का वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, कि जब मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए और कीप स्टडिंग। Thank you.